आई वंस अगैन वेलकम यू इन कोर्स कोड के ई डबल ई थ्री ज़ीरो टू इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रोमेंटेशन आज जो हमारी चर्चा होगी वो मुख्य रूप से इंट्रोडक्टरी नेचर की होगी और वो कैथोड रे ऑक्सुलोस्कोप से संबंधित है कैथोड रे ऑक्सोलोस्कोप जिसको कि हम एब्रीविएशन में सी आर ओ कहते हैं बहुत ही एक ज़रूरी या कहें तो ऐसा व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला इंस्ट्रूमेंट है तो इसमें मुख्यतः हम जो आज चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन के बारे में उसमें हम ब्लॉक डायग्राम पे हमारी चर्चा केंद्रित होगी देन उसका बेसिक्स सीआरओ सर्किट क्या है इस पर भी हम इसको समझेंगे विस्तार से देन टाइप्स ऑफ स्वीप्स कि जो वेब्स शेप्स आती हैं उसमें किस किस तरीके के प्रकार होते हैं क्या स्वीप्स से हमारे क्या मायने हैं और कितने प्रकार के स्वीप्स होते हैं देन सिंक्रोनाइजेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे देन सोर्स ऑफ सिंक्रोनाइजेशन क्या है ओके okay, इसको जानेंगे एंड देन वी विल कंक्लूड तो ये सर्किट है जो सीआरओ का है कैथोड्रे एक्सोलोस्कोप समय के साथ इसकी ए, अगर हम कहें तो टेक्नोलॉजी में बदलाव भी आए हैं लेकिन अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो आज भी काफ़ी सारी जो बातें हैं वो प्रिंसिपली दे आर सेम तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसमें एक वर्टिफल एम्पलीफायर होता है ओके यहाँ इनपुट सिग्नल आपको अप्लाई किया हुआ है दैट इज़ इनपुट सिग्नल जो सबसे मेन बात है एक आइडेंटिफिकेशन के लिए Uh, अगर हम सी uh, को समझें तो दैट इज़ बेसिकली इन फॉर्म ऑफ यू आर सींग दिस सॉर्ट ऑफ ए ट्यूब्स इलेक्ट्रॉन गन एंड ट्यूब तो ये सी का ये सिंबल से आप उसको जज कर सकते हैं तो यहाँ अगर आप देखें तो आपको एक तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट दिखाई दे रही हैं ये पिंक कलर में ओके okay, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट और ये हॉर्जेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स दीज आर द की कंपोनेंट्स ऑफ द बेसिक सर्किट ऑफ सी क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन गन जो आप ये देख रहे हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इमीशंस होता है और इस इलेक्ट्रॉन इमिशंस को जो कि स्ट्राइक करता है इस फोटो फॉस्फरस स्क्रीन पर दिस इज़ ए फोट स्क्रीन तो इसको एक सर्टेन वेलोसिटी दिया जाता है बीच में आप एक्सेलरेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं इसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए लेकिन इसके मूवमेंट जब ये स्क्रीन पे कनेक्ट करेगा तो इसके मूवमेंट को कंट्रोल Uh, जो होता है वो बेसिकली कितना वोल्टेज इन वर्टिकल प्लेट्स पे लगा हुआ है ओके okay, या कितना इनपुट कहें इन वर्टिकल प्लेट्स पे लगा हुआ है कितना इनपुट इन हॉर्जेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे लगा हुआ है दीज आर हॉर्जेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स दैट यू आर सीइंग हियर सो दीज आर हॉर्जेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स सो दैट बेसिकली कंट्रोल द पाथ ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन गन्स कि अगर ये इनका कोई कंट्रोल नहीं होगा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दे विल स्ट्राइक हीयर अगर सफिशेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है इन इलेक्ट्रॉन्स को एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद द हेल्प ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन गन ओके सो बेसिकली यू कैन सी द टू प्राइमरी कंपोनेंट द टू प्रिंसिपल कम्पोनेंट ऑफ द सी आर ओ आर द वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट यू कैन सी हियर दिस ओके एंड द हॉर्जेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट्स नाउ वट आर द अदर कम्पोनेंट्स यू कैन सी दिस इज अ फ्रॉस्फरस स्क्रीन दैन दिस इज अलेक्ट्रॉन गन एंड ये जो इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन बीम जिनको हम कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन बीम जब ये स्ट्राइक करते हैं यहाँ पर इस स्क्रीन पर ओके विच इज़ ए फॉस्फोरसक्रीन सो ये इस पर ल्यूमिनियस स्पॉट जनरेट होता है इट जनरेट द ल्यूमिनियस स्पॉट, जिसको कि आप अपनी आई की मदद से उस स्क्रीन पे देखते हैं ओके okay. यहाँ आप देखें तो आ, ये देखिए हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट है हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट पे कैसे है? आपने इनपुट दिया तो एक तो वर्टिकल एम्पलीफायर के थ्रू ये डिले लाइन के थ्रू इवेंचुअली आप देख रहे हैं कि वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट पर क्या है वर्टिकल एम्पलीफायर, देन उसके डिले लाइन के थ्रू इवेंचुअली कहाँ जा रहा है ये वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे। दूसरा क्या है कि वर्टिकल एम्पलीफायर के बाद ये आप देख रहे हैं ये दिस इज़ मूविंग हीयर ओके एंड देन इट इज़ गोइंग टू द ट्रिगर सर्किट ओके जिसके क्योंकि आप कंट्रोल एज ए कंट्रोल स्कीम कर सकते हैं कि आपको कौन सा पर्टिकुलर फेज uh, को देखना है स्क्रीन पर तो इस ट्रिगर सर्किट को टाइम बेस जनरेटर की मदद से आप हॉर्जेंटल एम्प्लीफायर के थ्रू हॉर्जेंटल प्लेट्स uh, पे देते हैं तो ये टाइम बेस इवेंचुअली द स्केल इस कंट्रोल की कितना साइज में आपको देखना है क्या स्केलिंग रखनी है तो दिस टाइम बेस जनरेटर रियली हेल्प यू टू डिसाइड ऑन दैट ओके सो यू कैन सी कि सीआरटी के रेफरेंस में आप दोनों तरीके की सप्लाई का इस्तेमाल करते हैं हाई वोल्टेज सप्लाई जो बेसिकली मेन uh, जो सर्किट uh, के रेफरेंस में है जो यहाँ डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं या मेजर कंपोनेंट्स हैं और जो बाकी सपोर्टिंग uh, सर्किट्स हैं उसके लिए आप लो वोल्टेज सप्लाई का भी टू ऑल सर्किट्स यू मेक यूज़ ऑफ़ दैट ओके तो जो मेन जहाँ इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू आपको इलेक्ट्रॉन इमिशन वगैरह करने हैं देयर यू कैन यूज ऑफ द मेजर वोल्टेज सप्लाई Okay. Uh, so, this is basically the block diagram you can say um, of the cathode ray oscilloscope. Another representation of the block diagram of cathode ray escape is here. It is a similar one, you, uh, you see a luminous spot, I am just repeating it phosphorus screen, electron beam is striking here. So, instead of color, this is a simply black and white representation. Again, you see the trigger circuit is there, okay. and then time based generator which you help you. To really select the scale and then, with the help of horizontal amplifier, you are connecting, you are providing this input to the uh, horizontal plates. Whereas, uh, to vertical plates, the input which you are providing here and this is with the help of the delay line, and this is electron gun and this is basically emitting the electron. So, it is the same. And now, uh, in basic configurations, you can see that the pre accelerating anode. क्योंकि देखिए अगर इसको सफिशेंट स्पीड नहीं मिला जो इलेक्ट्रॉन गन जो इलेक्ट्रॉन को इमिट कर रही है इफ़ इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग द सफिशियंट एक्सेलरेशन देन दिस इलेक्ट्रॉन मे नॉट बी एबल टू स्ट्राइक द दिस फॉस्फोरस स्कीम ओके सो दे मे फॉल इन बिटवीन तो उसमें क्या है कि आपको प्री एक्सलरेटिंग अनोड मेनोड की मदद से इसकी स्पीड को आप यू कैन बेसिकली इंक्रीज सो दैट इट गेंस दफ़ीशियंट स्पीड एंड इवेंचुअली इट इज़ एबल टू स्ट्राइक दिस screen so these are uh, basically uh, the pre accelerating anode you are seeing this pre accelerating anode so uh, this is basically you see heater is there this heater uh, with the help of this heater by uh, controlling the temperature oh, you see here this is these are the pins okay and then uh, as you heat it then eventually electrons are emitted and then uh, with the help of this grid you are able to and pass through these electrons then pre- accelerating anode gives you sufficient uh, speed to these electrons so they ensure that a sufficient speed is gained by these in electrons so that they can strike the screen and then these uh, you know um, uh, plates that you are seeing here the grid plates they are basically for the focusing part so so that you know it remains in a certain directions otherwise despite the speed okay, that you have provided it may go, uh, you know, in in the wrong directions. Okay, if it is not controlled or it is not focused, so to give it a specific directions. Okay, to keep them focused, not to allow them to scatter. You make use of this focusing anode. So these are basically focusing anode. Now this is an uh, these anodes are to give you sufficient, and then for further acceleration, if you want even more acceleration, then these acceleration anodes are there. So basically, you can say this is primarily for acceleration part and this is uh, this anode is basically to ensure that they are able to move ahead so they also uh, give you a reasonable speed but if you want further acceleration then this uh, channel is uh, made use of okay so these pre, -pre accelerating anode basically uh, ensures that they are they are able to attain at least reasonable speed and this these um, you can say accelerating anodes ensure that sufficient if it is really dropping down in terms of a speed, then it gains sufficient speed so that it does not fall down before striking the screen. Okay. Now, these are the horizontal deflection plates, as we said. Okay. Uh, so, uh, basically, they again control uh, in terms of the horizontal uh, movement, Okay. and this is aqua DAG coating so that if some electrons still get.

तो होगा क्या अगर यहाँ से वापसी हो गई लेट से इसने एब्जॉर्ब नहीं किया तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो उनके पाथ को डिस्टॉर्ट कर सकते हैं डेविएट कर सकते हैं उससे मेजरमेंट या जो हम ग्राफिकल डिस्प्ले देखना चाहते हैं दैट विल नॉट बी फिजिबल सो टू इंश्योर दैट देर इज नो हिंड्रेंस इन द पाथ ऑफ द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स विच यू हैव एक्सेलरेटेड दिज एक्वा डेक कोटिंग बेसिकली रिटेंस और एब्जॉर्ब्स दोज Electrons which have uh, got diverted in the path, so that they do not reflect back and they do not collide with the incoming electrons. So this is uh, I, I repeat, what are the uh, basic components in the basic configuration of this? One is cathode, okay, where you are ensuring the. Uh, you know emission of the electrons with the help of this heater and then grid is only allowing a certain section of the electrons to go it is basically navigating it is to certain extent you can say it is focusing and then of course focusing basically ensure the major focus of those electrons so that they are do not diverted and then accelerating anode basically ensures that it gains a reasonable speed so that it can strike the screen and then, of course, horizontal deflection uh, plate ensures the horizontal movement of these electrons, and phosphorus screen is where it, these electrons strikes the screen, and you are get, able to get a luminous spot, okay, and a pattern. So uh, these are the vertical deflection plates you can see here. This is shown as the vertical deflection plates, okay. These are the vertical deflection, and these are the horizontal deflection plates that we have already discussed. And this is uh, some sort of electronic, uh, you can say, uh, uh, arrangement uh, of the CRO circuit. So you can see here that uh, you know um, different sync uh, selectors or horizontal amplifier, vertical amplifiers are there. Uh, synchro uh, amplifier is uh, there. Then okay, uh, you can see that different biasing circuits are used. You are also seeing that here uh, diodes are used. Okay. So different uh, electronic circuitries are used to realize what we see in the previous uh, diagram okay, in this diagram. So besides uh, certain mechanical structures which are used as a part of grid okay, to ensure the acceleration or the focusing. So uh, electronic setups are also used uh, both in terms of supply, in terms of rectification process, in terms of heating process or in terms of synchronization or providing synchro source. Okay, or low voltage supply or high voltage supply, or let us say a biasing circuit, because there are multiple functions which we will discuss in follow up which are required. So, to realize them, you have to require the different electronic components also. So, those electronic components are shown here, otherwise, rest of the structures are uh, same as you can see here okay, the CRT, the screen, the focusing mode, vertical positioning, okay, and biasing circuits so uh, vertical let us talk about one by one the different uh, basic components first, all, first of all uh, the most important uh, are the plates as i said vertical deflection plate and horizontal deflection plate what do the vertical deflection plates do you can see the signals to the that are needs to be exam examined okay, uh, are usually applied to the vertical और वाइड डिफ्लेक्शन प्लेट्स तो दिस इज ऑल्सो नोन एज द वर्टिकल प्लेट और वाइड डिफ्लेक्शन प्लेट्स तो जो भी आपको मेजरमेंट करना है वो यूजुअली वाइड डिफ्लेक्शन प्लेट्स पे आप अप्लाई करते हैं ओके एंड थ्रू ए इनपुट एट्यूनुएटर तो जो सिग्नल है उसका वोल्टेज लेवल ज्यादा हो सकता है करंट लेवल ज़्यादा हो सकता है ओके okay, तो आप क्या करते हैं फर्स्ट उसको एट्यूनुएट करते हैं टू ए सर्टेन स्केल विच इज़ ऑलरेडी नोन टू यू ओके सो विद द हेल्प ऑफ एट्यूनिएटर यू स्केल इट डाउन एंड देन ए नंबर ऑफ़ एम्प्लीफायर थ्रू ए नंबर ऑफ एम्पलीफायर स्टेज and then the vertical amplifier is basically required for that because the signals are not strong enough तो so, आप attenuation भी करेंगे और अगर ज़रूरत पड़ा तो आप amplification भी करेंगे okay, because uh, there is a precondition that the signal should be so strong so as to produce the measurement okay or measurable deflection on the CRT screen तो so, याद रखिएगा अगर बहुत ज़्यादा signal है बड़ा है तो आप उसको attenuation करेंगे primarily और फिर required amplification कर सकते हैं okay द एम्प्लीफायर बेसिकली दैट रेस्पॉन्स शुड भी और इट शुड भी वाइड इनफ टू पास फेथफुली द एंटायर बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी टू बी मेजर्ड तो जो एम्प्लीफायर का जो रेस्पॉन्स होना चाहिए दैट शुड भी वाइड इनफ द रेंज ऑफ दैट एम्प्लीफायर रेस्पॉन्स शुड भी रिजनेबल इनफ सो दैट इट कैन फेथफुल रिप्रोड्यूस और पास द इंटायर बैंड ऑफ़ फ्रीक्वेंसी ओके सो दैट इज़ ए प्री कंडीशन दैट इज़ देअर सो वैन द हाई वोल्टेज सिग्नल्स आर टू बी एग्जामाइंड

तो आपको जो आप लगाते हैं इसको सिग्नल को वो सिंक्रोनाइजिंग एम्पलीफायर पे भी अप्लाई करते हैं और सिंक्रोनाइजिंग एम्पली जो आपका एम्पलीफायर है उस पर किसकी मदद से इसको अप्लाई करते हैं दैट यू अप्लाई विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइजर सेलेक्टर स्विच सो माइंड दिस वर्ड ओके सिंक्रोनाइजर सेलेक्टर स्विच एंड विच इज़ इन द इंटरनल पोजिशन एंड बेसिकली इट परमिट्स द हॉर्जेंटल स्वीप सर्किट इस, इसका यूज क्या है दैट इट परमिट्स द हॉर्जेंटल स्वीप सर्किट टू बी ट्रिगर्ड ओके बाय द सिग्नल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेशन का काम करता है uh, किसके साथ हॉर्जेंटल स्वीप सर्किट के साथ विच नीड्स टू बी ट्रिगर्ड बाय द सिग्नल ओके व्हेन यू आर डूइंग दिस इन्वेस्टिगेशन तो क्योंकि सिंकोनाइजेशन uh, जरूरी है याद रखिए कि जो आप सिग्नल वर्टिकल uh, प्लेट्स पे लगा रहे हैं उसी का एक पार्ट आप सिंक्रोनाइजिंग सेलेक्टर स्विच के थ्रू हॉर्जेंटल स्वीप सर्किट में भी देंगे जो कि आप इवेंचुअली गवर्न कर रहा है आपकी हॉर्जेंटल वर्टिकल प्लेट्स को क्योंकि ये आप सिंक में ये ऑपरेशन कर रहे हैं ओके ओके बिकॉज आफ्टर ऑल यू नीड टू रियली टेक द रेफरेंस ऑफ दिस हॉर्जेंटल ओके पोजिशनिंग नाउ द हॉर्जेंटल डिफ्लेक्शन सिस्टम विच इज़ अनदर मेजर कंपोनेंट लाइक द वर्टिकल डिफ्लेक्शन सिस्टम तो हॉर्जेंटल जो सिस्टम uh, है जैसे वहाँ हम उसको वर्टिकल को वाई प्लेट्स कह रहे थे दिस इज बेसिकली हियर एक्स डिफ्लैक्शन प्लेट्स एंड दे आर फेड बाई द स्वीप वोल्टेज वहाँ पर आप देख रहे थे कि जो वाई का है वो किससे था वो इनपुट सिग्नल से फीड हो रहा था ये किससे फीड हो रहा है दिस इज़ फेड बाई द स्वीप वोल्टेज एंड विच इज़ प्रोवाइडेड बाई द टाइम बेस तो ये किससे मिलेगा आपको टाइम बेस जो आप सेलेक्ट करेंगे टाइम नॉब की मदद से ओके सो दिस हॉर्जेंटल प्लेट्स बेसिकली दे आर सपोर्टेड दे आर सप्लाइड थ्रू ए एम्प्लीफायर तो ये हॉरिजेंटल प्लेट्स को सप्लाई करेंगे थ्रू द एम्प्लीफायर विच दे कैन भी फेड डायरेक्टली वेन द वोल्टेज आर ऑफ द सफिशेंट मैग्नीट्यूड ओके सो दे कैन बी फेड इवन डायरेक्टली नॉट नेसेसरली एन एटिनुएशन इज रिक्वायर्डलेस द वोल्टेज लेवल इज वेरी वेरी हाई सो दे कैन बी फेड डायरेक्टली वैन द वोल्टेज आर ऑफ सफिशियंट मैग्नीट्यूड बट वैन एक्सटर्नल सिग्नल आर टू बी अपलाइड दैन टू द हॉर्जेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट दैन दे के ऑल्सो भी फैड थ्रू द हॉर्जेंटल एम्पलीफायर ओके अगर आप एक्सटर्नल सिग्नल लगा रहे हैं तो फिर आप उसको फेड कर सकते हैं थ्रू द हॉर्जेंटल एम्प्लीफायर अगर आपको स्केलिंग करना है उसको ओके और इफ़ द स्केलिंग इज रिक्वायर्ड दैन विद द हेल्प ऑफ अ स्वीप सेलेक्टर स्विच एज वी सेट इन केस ऑफ इन केस ऑफ यू नो वर्टिकल प्लेट्स वाई डिस्क्राइबिंग दैम वी टॉक्ड अबाउट दिस पॉइंट द स्वीप सेलेक्टर स्विच की जो उसी का एक पार्ट जो इनपुट सिग्नल के का था उसको आप स्वीप सेलेक्टर स्विच के थ्रू हॉरिजेंटल प्लेट्स में भी देते हैं सो इन द एक्सटर्नल पोजिशन सो वैन द स्वीप सेलेक्टर स्विच इज इन द इंटरनल पोजिशन दैन द हॉर्जेंटल एम्पलीफायर रिस जब इंटरनल पोजिशन पर होगा तो क्या होगा ये हॉर्जेंटल एम्पलीफायर इट विल रिसीव एन इनपुट फ्रॉम द स टूथ सी स्वीप जनरेटर तो अगर आप इंटरनल पोजिशन पर रखेंगे तो वो क्या करेगा देट विल रिसीव द सॉ टूथ स्वीप जनरेटर ओके विच बेसिकली इस्ड बाई द सिंक्रोनाइजिंग एम्प्लीफायर तो बेसिकली अगर आपने इसकी पोजिशनिंग क्या की वैन यू कीप द स्वीप सेलेक्टेड स्विच इन द इंटरनल पोजिशन वट विल इट डू इट विल डू इट विल रिसीव द सिग्नल ऑफ़ यू नो दिस हॉर्जेंटल एम्पलीफायर रिसीव द सिग्नल इनपुट सिग्नल फ्राम द सॉट वथ स्वीप जनरेटर ओके दिस इज बेसिकली ट्रिगर्ड वो तभी रिसीव करेगा जब ट्रिगर्ड है बाई द सिंग्रोनाइजिंग एम्पलीफायर ओके ओके बेसिकली ये कॉर्डिनेशन है अगर आप उसको मोटे तौर पर कहें तो ये वर्टिकल प्लेट्स और हॉर्जेंटल प्लेट्स के बीच में एक कॉर्डिनेशन बनाना उस इनपुट सिग्नल के लिए और इस टाइम बेस को एक रेफरेंस क्रिएट करना ओके बिकॉज इवेंचुअली दैट हेल्प्स यू इन टर्म्स ऑफ सीइंग द स्केल्स ओके द डिविजन्स और द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ओके बट वट इज स्वीप्स हम लगातार आप देख रहे हैं कि स्वीप की बात कर रहे हैं बेसिकली दे आर फोर टाइप्स ऑफ स्वीप्स दे आर फोर टाइप्स ऑफ स्वीप ओके वट आर दोज फोर टाइप्स ऑफ स्वीप वन इज द रिकरेंट स्वीप ओके या उसको फ्री रनिंग स्वीप भी कहते हैं सो so, uh, इन द फ्री रनिंग रिकरेंट स्वीप द सा टूथ वेव फॉर्म इज रिपीटेड तो इसकी क्या करेक्टरिस्टिक क्या है इसकी करेक्टरिस्टिक ये है कि जो फॉर्म है वो बेसिकली रिपीटेटिव होती है ओके तो ये बेसिकली इट इज इन रेंज ऑफ सॉ टूथ वेव फॉर्म एंड इट इज रिपीटिव इन नेचर एंड इट इज फ्री रनिंग और रिकारेंट स्वीप ओके सो न्यू स्वीप इज स्टार्टेड इमीडिएटली आफ्टर द प्रीवियसूप टर्मिनेटेड तो जैसे प्रीवियस टर्मिनेट होगा सोट टूथ में आपने देखा होगा इट लाइक दिस दिस तो जैसे प्रीवियस टर्मिनेट होगा इनिशियल वाला स्टार्ट हो जाएगा ओके सो दैट इज नोन एज द फ्री रनिंग और रिकरेंट स्वीप और यू कैन सेन दॉ टूथ वे फॉर्म इज रिपीटेटिव इन नेचर सो एज सुन एज इट गेट्स टर्मिनेटेड द न्यू वन स्टार्ट ओके अनादर स्वीप इज नोन एज द ट्रिगर्ड स्वीप और सिंगल स्वीप ओके ट्रिगर्ड स्वीप और सिंगल स्वीप तो इसकी क्या खास बात है इन इन द यूनिक थिंग अबाउट दिस इज द स्पॉट इज स्वैप्ड वंस अक्रॉस द स्क्रीन इन रेस्पॉन्स टू द ट्रिगर सिग्नल तो ये केवल ट्रिगर सिग्नल पे ही काम करेगा यू नो द स्पॉट इज बेसिकली स्वैप्ड स्वैप्ड ये स्पॉट स्वैप्ड होगा ओके दैट विल बी विजिबल इट विल बी क्रिएटेड वंस ओनली वंस तो वंस इज द की वर्ड ओके अक्रॉस द स्क्रीन

रिपीटिव नेचर का नहीं है दैट यू मस्ट रिम्बर अनलाइक द प्रीवियस वन जैसे इसमें रिपीटिव दिया हुआ था ओके एंड द वेब फॉर्म वेब फॉर्म इज़ फोटोग्राफ्ट फॉर द रिकॉर्ड तो आपने उस ट्रांसजेंड को आइडेंटिफाई uh, किया है ऑटोमेटिकली ट्रिगर के मदद से और ट्रिगर की मदद से आइडेंटिफाई करने पर ऑटोमेटिकली उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया जैसी uh, वो पैटर्न आपको विजिबल हुआ तो ये नॉन रिपीटिव इन नेचर है यू कैन से सो द ट्रिगर कैन बी ऑपटेंड बेसिकली from द सिग्नल्स अंडर investigations सो ट्रिगर जो है दैट यू कैन इंश्योर विद द हेल्प ऑफ सिग्नल अंडर इन्वेस्टिगेशन और बाई एन एक्सटर्नल सोर्स तो ट्रिगरिंग आपको देखना होगा कि आपको राइट मोमेंट पर ट्रिगरिंग मिले जिससे आप उस ट्रांजियन को सेग्रीगेट कर सकें और इट इज़ यू कैन कीप इट फॉर रिकॉर्ड तो वो उतना ही ग्राफिकल उसका रिप्रेजेंटेशन होगा ओके अनदर टाइप ऑफ थर्ड टाइप ऑफ स्वीप इज़ द ड्रिविन स्वीप

द रिकेंट इन नेचर ओके सो बेसिकली यू कैन से दिस इज रिकरेंट बट इट मेक्स यूज ऑफ द ट्रिगर सिग्नल तो आप कह सकते हैं कि इसकी एक करेक्टरिस्टिक फर्स्ट कैटेगरी की है जो रिकरेंट टाइप थी यू कैन सी फर्स्ट कैटेगरी वॉज दिस फ्री रनिंग बट ट्रिगर वाला जो करेक्टरिस्टिक है वो उसने सेकेंड से लिया है तो रिपीटिव है लेकिन ये नेचर में फोर्थ टाइप द लास्ट कैटेगरी दैट इज नो नॉन सा टूथ स्वीप नॉन सावीप सो इसमें क्या है फॉर सम एप्लीकेशंस लाइक कंपेरिजन ऑफ द टू फ्रीकवेंसी जहाँ कंपेरिजन की बात होगी और फॉर फाइंडिंग फेस शिफ्ट अगर फ़ेस शिफ्ट मालूम करना है या कंपेरिजन करना है बिटवीन टू वोल्टेज दैन नॉन सॉ सो टाइप सो टाइप टूथ वोल्टेज और यू कैन से नॉन सो टूथ ओके स्वीप वोल्टेज बेसिकली दे आर यूज फॉर स्वीप सर्किट एंड स्वीप फ्रीक्वेंसी वेरी विद द टाइप ऑफ द ऑक्सीलोस्कोप ओके सो यू कैन से इट वर्क्स इन द रेंज ऑफ सेवरल मेगा हर्ट्स तो इसके जो की वर्ड्स हैं जहाँ आपको डिफ्रेंशिएट के बेसिकली ए सिंपल ऑक्सीलोस्कोप फॉर ऑडियो फ्रीक्वेंसी वर्क हैज़ एन अपर लिमिट ऑफ वन थाउजेंड किलो हर्ट्स एंड मोस्ट टी वी सरीज रिक्वायर ए स्वीप वोल्टेज फ्रीक्वेंसी अप टू वन मेगा हर्ट्स तो ये तो रेंजेस हो गए इसकी वन हंड्रेड किलो हर्ट्स और वन मेगा हर्ट्स लेकिन इसकी खास बात क्या है नॉन शॉर्ट टूथ टाइप स्वीप्स की कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कंपैरिजन पर्पज़ के लिए इसके एप्लीकेशन होता है और सेकेंडली फेस शिफ्ट अगर बिटवीन टू एनी वोल्टेजेस में आपको देखना है तो देन इट इज़ यूजफुल ओके सो यू कैन से दिस इज़ ऑल्सो टू सर्टन एक्सटेंड ऑफकोर्स रिपीटिव इन नेचर क्योंकि ये ऐसा नहीं कि वन टाइम है या ट्रांसजेंड की फॉर्म में है बट यू कैन से दिस इज़ प्राइमरली फॉर ए कम्पेरिजन पर्पज़ सिंक्रोनाइजेशन सिंक्रोनाइजेशन क्योंकि दो प्लेट्स में आप काम कर रहे हैं तो सिंक्रोनाइजेशन वट एवर बी द टाइप ऑफ स्वीप इट मस्ट बी सिंक्रोनाइज विद द सिग्नल तो ये एक कंडीशन है दैट कि, कि, किसी भी तरह का टाइप का सिग्नल हो तो दैट मस्ट बी सिंक्रोनाइज विच इज बींग मेजर्ड तो वट एवर बी द टाइप ऑफ स्वीप इट मस्ट बी सिंक्रोनाइज विद द सिग्नल बींग मेजर्ड और सिंक्रोनाइजेशन हैज टू बी डन और ऑप्टेंड ए पैटर्न एंड बेसिकली इसकी प्री कंडीशन क्या है सिंक्रोनाइजेशन द टाइम बेस्ड टू बी ऑपरेटेड एज ए सम मिल्टिबल ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिग्नल अंडर मेजरमेंट तो याद रखिएगा कि जब सिंकोनाइजेशन कर रहे हैं तो जो भी आप फ्रिकुवेंसी सेलेक्ट कर रहे हैं वो इनपुट सिग्नल जिसका मेजरमेंट हो रहा है उसके मल्टीपल में होना चाहिए ऐसा नहीं कि रैंडम पैटर्न है ओके एंड विच इज़ अपलाइड टू द वाई प्लेट्स जिसका मेजरमेंट हो रहा है तो इफ सिंकोनाइजेशन इज नॉट डन दैन द पैटर्न इज नॉट स्टेशनरी क्योंकि अगर आपने सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर नहीं किया इनपुट सिग्नल के रेफरेंस में ओके okay? और कंपेरिजन में तो फिर पैटर्न जो आएगा वो स्टेशनरी नहीं होगा एंड बेसिकली अगर वो स्टेशनरी हो नहीं होगा देन इट मे अपियर एज ए ड्रिफ्ट ओके टू द स्क्रीन इन ए रैंडम फैशन तो फिर वो ड्रिफ्ट का आपको इशू दिखाई देगा और सोर्स ऑफ सिंकुनाइजेशन की अगर बात करें तो देर आर यूजअली थ्री टाइप्स ऑफ सोर्स यूजअल सोर्स फॉर द दिंकोनाइजेशन वैन वी टॉक अबाउट दिस तो आप ये देख रहे हैं कि सिंोनाइजेशन uh, भी आपको इंश्योर करना है दो प्राइमरी कंपोनेंट क्या हैं वाई डिफ्लेक्शन प्लेट जिस पे कि आप इनपुट लगाते हैं और हॉर्जेंटल डिफ्लेक्शन प्लेट जिस पे कि आप टाइम बेस का यूज़ करते हैं तो दे मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड इन सिंक्रोनाइजेशन बट इसके साथ साथ और भी अदर कंपोनेंट्स हैं दोनों डिफ्लेक्शन प्लेट्स के अलावा कैसे हम फोकसिंग करते हैं क्या ब्लैंकिंग सर्किट है क्या फोकसिंग है दे आर नंबर ऑफ थिंग्स फोकसिंग और पैटर्न के लिए जिसको कि हम अगली डिस्कशन में जारी रखेंगे सो प्लीज़ डू जॉइन नेक्स्ट लेक्चर ऑल्सो थैंक यू वेरी मच